आज की शाम सिर्फ आपके लिए रखी गई है, ये मस्ती भरी शाम है। कुछ अवार्ड हैं जो आप सबने अपनी कड़ी मेहनत अथक प्रयास से यहाँ पर हासिल किए हैं, और कुछ ऐसे मौके, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे लम्हे हम आपके साथ गुजारने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो दीप प्रज्वलन की जो हमारी प्रथा है उसका हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं आमंत्रित करूंगा अपने अप्लॉम्ब के डायरेक्टर पुष्कर मिश्रा जी और प्रभाकर मिश्रा जी को। दोस्तों, अप्लॉम्ब हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी, जिसको हम लोगों ने 15 जनवरी 2008 को स्टार्ट किया था एक उद्देश्य के साथ कि लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, उनको उनके व्यक्तिगत जीवन स्तर में व आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना, साथ ही साथ में भारतीय संस्कृति का प्रचार व प्रसार करना। दोस्तों, इस उद्देश्य के साथ हम लोगों ने अप्लॉम्ब हेल्थ केयर लिमिटेड की शुरुआत की। विनस नाइट 2018 का दिमाग में ख्याल जो आया कि विनस नाइट हम लोग मनाएं। ये केवल विनस नाइट इसी उद्देश्य की पूर्ति की एक लाइन है कि आपके के व्यक्तिगत जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और आपको महसूस कराना कि जो आपने अचीव किया है, जो आपने डेडिकेशन अप्लॉम्ब के लिए और अपने करियर को बनाने के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए और अपने साथ के जुड़े हुए लोगों को ऊंचे उठाने के लिए दिया है, जो परिश्रम किया है, जो हार्डवर्क किया है, उसका एक छोटा सा रिवार्ड आपको मिले। ये विनस नाइट 2018 का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है। इस प्रोग्राम को वैसे ऑर्गेनाइज करना है, वैसे होस्ट करना है जैसे आईफा होस्ट होता है, राइट? 20 साल पहले जब आईफा शुरू हुआ था तो उसका भी साइज बहुत छोटा था, और आज जब आईफा होता है तो उसका साइज बहुत बड़ा होता है। आज अप्लॉम्ब हेल्थ केयर हिंदुस्तान के तकरीबन 200 कुछ शहरों में अप्लॉम्ब हेल्थ केयर की प्रेजेंस है, जिसका आज ये हॉल जो है वो गवाही दे रहा है, जहां पे कई प्रांत से भी लोग आए हैं। मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा टीम मिजोरम को, जो कि मिजोरम से इस सेमिनार के लिए आए। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाइए। जहां पे लोग हमारी बोली नहीं समझते, हमारी भाषा नहीं समझते, लेकिन इमोशन समझते हैं कि अप्लॉम्ब हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बेस्ट सर्व करना चाहती है, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म अप्लॉम्ब हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बन के रहेगी। यही नहीं, इसी का जीता जागता सबूत है टीम उड़ीसा। हमारे बीच में उड़ीसा से भी लोग बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा कि प्लीज टीम उड़ीसा अपनी जगह पे खड़े हों और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं। वी विल रिप्रेजेंट द वर्ल्ड। वो दिन दूर नहीं है जब हम पूरा विश्व रिप्रेजेंट कर रहे होंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। हमारे बीच में वेस्ट बंगाल से भी एक सज्जन आए हुए हैं, विनोद जी हमारे बीच में। एक बार जोरदार तालियां वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे हमारे बीच में मौजूद हैं। मेरा केवल एक विचार है, मेहनत आप सब की है जिसके कारण अप्लॉम्ब हेल्थ केयर लिमिटेड इस मुकाम पे पहुंचा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज की रात आपकी है, इस रात को एंजॉय करो, इस सेलिब्रेशन को एंजॉय करो। तो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग पूरे झील के साथ, पूरे इंथुजियाज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ इस सेमिनार को इंटरटेन करो, क्योंकि यह सेमिनार आज किसी स्टार के लिए नहीं, ये सेमिनार आपके लिए किया जा रहा है। हमें ये लगता है कि हम लोग बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि एक जो नींव है हमारी वो बहुत ही मजबूत है, और हमारा लोगों का जो उद्देश्य, जो एम है, एक ईमानदारी का एम है कि हमें अपने लोगों को सफल करना है। जो हमारे साथ लोग हैं वो सफल हों, हम तो सफल हो जाएंगे। आपको जो भी सुविधाएं चाहिए मैं पूरी कोशिश करूं कि आपको मिले और कंपनी बहुत आगे तक जाए और हर आदमी को वो सुविधाएं दे जो एक आम आदमी से ऊपर उठ के। और विनर्स नाइट जो हो रही है आज की जो विनर्स नाइट है, जो आप लोग आए हैं आइजोल से, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे ब्रांड हो, अप्लॉम्ब के ब्रांड हो, आप लोग जो भी कर रहे हो, हमें लगता है कि हमारे सारे ब्रांड आए हुए हैं आज,
और हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। टू स्टार्ट द फंक्शन पहला अवार्ड है बेस्ट डेब्यू अवार्ड। इस अवार्ड के लिस्ट में मेल्स में सबसे पहला नाम है मिस्टर मनीष सिंह चौहान फ्रॉम वाराणसी, एक बार जोरदार तालियां। एंड द सेकेंड कंटेंडर ऑफ द सेम अवार्ड इज लखीमपुर खीरी से मिस्टर धीरेन्द्र कुमार, एक बार जोरदार तालियां। जो एप्लॉम है एक बिजनेस नहीं है, सभी लोगों के लिए अपने जीवन में एक कुछ एक नई दिशा और नई राह पकड़ने का रास्ता है। और बस यही कहूँगा कि एप्लॉम जो है सुंदर सुर सजाने को साज बनाता है, नौसखिए परिंदों को बाज बनाता है, समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और एप्लॉम और पुष्कर भैया डूबती कश्तियों को भी जहाज बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। दादर कैटेगरीज बेस्ट डेब्यू फीमेल, बालेश्वर से मिसेज सस्मिता जेना, एक बार जोरदार तालियां टीम आइजोल और टीम बालेश्वर के लिए। ऐसा अवार्ड मिलेगा मैं तो कभी सपने ही सोचा ही नहीं था। संसार की सभी महिलाओं के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक लेडी कुछ भी कर सकती, जो एक इंसान को जन्म दे सकती तो क्या नहीं कर सकती अगर वो चाहे। So moving on to the next category of awards, Emerging Leader of the Year Award. Other UCD Director of our company, Mr. Rakesh Kumar Singh जी को मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ आपके बीच में बुलाना चाहूंगी। मिसेज अंजलि सुवेदी जी ओला सिप से, मिस्टर नंद लाल मौर्य जी अम्बेडकर नगर से, है जो शिजनू तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे। धन्यवाद हमारे एमडी सर श्री पुष्कर जी और सभी आए हुए आज इस विनर्स नाइट के विजेता, आप सभी को मेरी मिजोरम की तरफ से धन्यवाद। बुनिया हे लोमन रोपुई तका कंदन थे ही कन मिजोरम छियंते एप्लोमा लौजुम वेते चुंगा नंग मानी जारा लोमन रोपुई तब एप्लोम अट्रिन कदोंगा अभी किन वैना लोकल तीन छुट मुनाई देंगा लाल रुआ टिकी लोटिंग सेला लल्लुन लिमी लोडिंग सेला थनमोई लोडिंग सेला इन लुकाओ जैसे आज मिजोरम से एक ग्रेट अवार्ड अचीव किया हूँ। प्लीज सिट डाउन। तो आप लोग एप्लॉम से जुड़िए, आने वाला दिन में एप्लॉम यहाँ नहीं इस दुनिया का हर कंट्री में पहुँचेगा। इसी के साथ साथ मेरा ये वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद एप्लॉम। ये एक ट्रॉफी के लिए मैं अपने टीम के जूनियर और अपने सीनियर सबको धन्यवाद देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द अचीवर्स। मूविंग टुवर्ड्स द अदर द नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी दैट इज द बेस्ट प्रमोटर ऑफ द ईयर अवार्ड। इस बार इस नॉमिनेशन में दो लोग हैं जिनका नाम लेने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी। ऑल द वे फ्रॉम उड़ीसा मिस्टर राकेश कुमार सिंह जी, जोरदार तालियां। द नेक्स्ट विनर इज फ्रॉम जौनपुर मिस्टर अनंत कुमार। सो आई वुड रिक्वेस्ट द ब्रांच मैनेजर ऑफ वाराणसी टू प्लीज कलेक्ट द अवार्ड्स। जोरदार तालियां दुर्गा चक्रवर्ती जी के लिए और डॉक्टर अनंत कुमार जी के लिए। हम चलते हैं अपने अगले अवार्ड की ओर जो कि है एप्लॉम बेस्ट प्रेजेंटेटर अवार्ड। फर्स्ट नेम इज, लेकिन इस नाम को अनाउंस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारी क्राउन डायरेक्टर मिसेस नीलम भाई गांधी जी को। बेस्ट प्रेजेंटेटर अवार्ड गोज टू रमेश चंद्र मिश्रा। जो शिजनू तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे। देखे
सपने सच करके दिखा दे के हौसलों के पर लगा उड़ सोच के। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक शब्द जो सर ने कहा कि कोई भी जिस दिन मान लेता है अपने आप को कि वो पूर्ण हो गया, तो एक लाइन मुझे याद आ रही है कि परफेक्शन इज पैरालिसिस। जिस दिन आपने अपने आप को परफेक्ट मान लिया, उस दिन समझ लो आपको लकवा लग गया। अगर किसी भी इंसान के बॉडी को लकवा लग जाए तो उसका इलाज है, लेकिन वो लकवा अगर दिमाग में लग गया तो इस दुनिया में कोई डॉक्टर कोई वैद्य उसका इलाज नहीं कर सकता है। और यहाँ पे एक जगह ऐसी है जहाँ पे उसका इलाज होता है, और आप सब सौभाग्यशाली हो कि आप उस जगह में आज बैठे हो। कि बहादुर किसी का आसरा वो एहसान लेते हैं, वो वही कर गुजरते हैं जो मन में ठान लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं चंदन जायसवाल गाजीपुर से। दोस्तों बेस्ट प्रेजेंटेटर कंपनी आज हम लोग क्या है, हम लोग क्या थे। मैं इस कंपनी को ज्वाइन किया सिर्फ अपने रोग के चलते, और कभी ये नहीं सोचा था कि आज इस ख्याति से नवाजा जाऊंगा। मैं कभी नहीं सोचता था, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये कंपनी का प्रोडक्ट जो दिल में उतर जाता है ना, जो मैंने अपने आप में महसूस किया है, इस्तेमाल किया। आप दिल से सिर्फ इस्तेमाल करना चालू करिए, अपने आप बेस्ट 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 बनते ही जाएंगे। क्योंकि आज इस कंपनी ने मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य ही नहीं दिया, साथ में एक बेस्ट प्रेजेंटेटर बनाया। मैं अपने चीजों को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इसी आग के साथ, इसी एनर्जी के साथ बढ़ते अगले अवार्ड्स की ओर। एक्साइटेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। इस अवार्ड के हकदार लोगों के नाम मैं अनाउंस करने के लिए बुलाना चाहूंगी हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर मिस्टर अनुज पांडे जी को एक बार जोरदार तालियां। इंटरप्रेन्योर अवार्ड ममता वर्मा अंबेडकर नगर, एंड ये पहला नाम हमारे शहर से। बहुत खुशी हो रही है इस नाम को सुनकर के। मिस्टर विनय प्रकाश गुप्ता फ्रॉम लखनऊ। है जोश जुनून तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो एक्स्ट्रा सिर्फ इंसान की सोच होती है, और इन्होंने सोच बदली। आज ये एप्लॉम में बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड से रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, अभिभूत हूँ दोस्तों, पहली बार स्टेज पे अपने परिवार के साथ आया हूँ, और ये पहला मौका है, बड़ा भावुक हो गया हूँ, ऐसा मौका जीवन में पहली बार आया है। विनर्स नाइट साल में एक बार होती है, और साल भर हम सब उसका इंतज़ार करते हैं। आज ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि भावुक हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे ये कुछ ऐसा मिलने वाला है, और मुझे पहली सीट दे दी गई थी ताली बजाने के लिए, और मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं सबके लिए ताली बजा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज मेरे लिए भी तालियाँ बजेंगी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा, वैसे तो लखनऊ का ही निवासी हूँ, रहने वाले अम्बेडकर नगर का, और सबसे पहले मैं ट्रॉफी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ टीम एप्लॉम को, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और मैं अपने सीनियर रमेश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस बिजनेस में लेके आए, और ऐसे सीनियर जिन्होंने मुझे यह सिखाया कि हाँ खुद पे भरोसा करना, अगर आदमी खुद पे भरोसा करता है तो क्या कर सकता है। कहते हैं जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो लोग आपको बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, भैया बहुत सारा आपको डिमोरलाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो उन लोगों की बात मत सुनिए। उन लोगों के लिए मैं दो शब्द यही कहना चाहता हूँ कि मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूँ। मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर अवार्ड कैटेगरी, दैट इज द डिवोटेड पर्सनालिटी अवार्ड। और इस अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे अकाउंट मैनेजर को। डिवोटेड पर्सनालिटी अवार्ड के लिए मिसेज रेशमा कश्यप जी।
तो अगला नाम है वो है डॉक्टर राम कुमार सिंह जी का फ्रॉम वाराणसी। है जोश जुनून तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे, देखे हमने जो है सपने। मैं धन्यवाद दूंगा इस प्लेटफॉर्म को, बार बार नमन करूंगा और धन्यवाद दूंगा आप सभी का, जितने भी एप्लॉम के हमारे कोर टीम लीडर हैं, चाहे लखनऊ के हों या हमारे बनारस के ब्रांच के हों, उनके सहयोग से ये सम्मान मिला। इफ यू थिंक यू कैन डू, ऐसा एक फ्रेज आपने सुना होगा, और कहते हैं सोच किसी की जागीर नहीं होती, लेकिन एक जो अच्छी सोच होती है, एक नई पहल होती है, वो हमेशा इंसान को सक्सेसफुल बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। तो इसी सोच को और इसी जज्बात को, इसी जज्बे को सैल्यूट करते हुए हम लोगों ने एक नए अवार्ड की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी है, ये है एप्लॉम नई सोच अवार्ड। तो इस अवार्ड को अनाउंस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी एप्लॉम के आईटी हेड मिस्टर तेजेंद्र सिंह तोमर जी को, मैं बुलाना चाहूंगी। नई सोच, कितना अच्छा टाइटल है, ये नया टाइटल है इस अवार्ड कैटेगरी। अच्छा, कहां से इंस्पायर हुआ है कोई बता सकता है क्या, ये इंस्पिरेशन कौन, कौन किसको लगता है ये हो सकता है नई सोच? कौन ऐसा है जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ नए आइडियाज डेवलप करता है या उन पे वर्कआउट करता है, अपनी टीम से शेयर करता है, अपनी टीम को उसमें पार्टिसिपेट करता है? पहला नाम आपके बनारस शहर से मिसेज संगीता रॉय जी। दूसरा नाम मैं नाम अनाउंस करता हूँ, मिस्टर दिलीप सिंह फ्रॉम सोनभद्र। और मैं चाहूंगी सावित्री देवी जी भी साथ जरूर आए। थैंक यू सर। मुझे बिल्कुल भी ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं थी कि ये नई सोच एक अवार्ड होने जा रहा है और ये अवार्ड मुझे मिलेगा। कुछ जैसा सर ने कहा कि कुछ आइडियाज़ जो मुझे लगते हैं कि अगर मैं अपने ग्रुप में करूं तो ग्रुप बिजनेस बढ़ेगा, वो जैसे सर ऑफर्स देते हैं, जो भी कंपनी ऑफर प्रोडक्ट ऑफर होते हैं, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऑफर्स दिया करूं और उससे लोग इंटरेस्टेड होके जो 40 पीवी तक ही सीमित रह जाते हैं वो आगे भी काम करते हैं, जो मैं कुछ पॉइंट्स पे ऑफर देती हूँ। फिर इसके बाद मैंने मूवी ऑफर या मतलब कुछ मोटिवेशनल मूवीज़, जैसे मैंने हम लोग ने साथ में धोनी देखा था, हम लोग ने साथ में मैरी कॉम देखा था, और इसके बाद अभी मैंने एक पूल पार्टी, मैं खुद एक पर्सनल पूल पार्टी इन्जॉय की थी, तो मैंने अपने ग्रुप को ये ऑफर दे रखा है, ये पूल पार्टी हम लोग इन्जॉय करेंगे विनर्स नाइट से जाने के बाद। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैंने की थी, मैंने मीटिंग के ऊपर ऑफर दिया, मुझे लगा कि ग्रुप में एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, और सर हमेशा कहते हैं कि एक्टिविटीज़ ही हमारे बिजनेस की जान है, तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर की, और इसलिए मैंने मीटिंग्स के ऊपर कुछ ऑफर्स दे दिए कि अगर आप इतनी मीटिंग करेंगे तो मैं आपको अपनी तरफ से गिफ्ट दूंगी। और उसकी वजह से पिछले 3-4 महीने में मेरे ग्रुप में लगातार एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और उस एक्टिविटीज़ की वजह से ही बिजनेस हो रहा है और उसी की वजह से अचीवमेंट्स हो रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ों का श्रेय मैं अगर किसी को दूंगी तो वो हैं सर, पुष्कर सर, क्योंकि वो ही इस तरह की चीज़ें बताते रहते हैं हमेशा मीटिंग में, इम्प्लीमेंट करना हमारे हाथ में होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ये ऑफर्स देने में ज़रूर मेरा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जैसा कि सर बोलते हैं कि अगर आप इनकम कर रहे हैं तो आप अपने इनकम का 10% 20% अपने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो मैं उसी को फॉलो करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं दिलीप सिंह, साथ में मेरी धर्मपत्नी सावित्री देवी, निवासी रेणुकूट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र से बिलोंग करता हूँ। एक नई सोच, अपलाम नई सोच का ये अवार्ड, हमने भी नहीं सोचा था कि हमें ये अवार्ड मिलेगा, लेकिन इस नई सोच के बारे में जहाँ तक हम अपने आप को कैलकुलेशन करते हैं, हमें ये पता चलता है कि ये एक 100% अपलाम के उत्पाद का यूज करने का नतीजा है। हम अपने अपलाम के प्रोडक्ट का 100% यूज करते हैं तो हमारे अंदर से ऐसी एक
शक्ति, ऐसी एक नई सोच लोगों के बीच में रखने का एक नया मौका मिलता है। लोगों के बीच में आ रहे हैं, आप यकीन मानेंगे मसीहा कौन होता है पता है? ऐसे हेल्पिंग हैंड लोगों के बन रहे हैं जो लोगों को रोजगार दे रहे हैं, साथ ही साथ में जिनके घर के चूल्हे बंद हो रहे थे, जिनकी दुकानें बंद हो रही थी, डॉक्टर्स परेशान थे, इन्होंने एप्लॉम में उन लोगों को जोड़ के एप्लॉम के स्वदेशी उत्पाद के स्टोर्स ओपन करा के इन्होंने एक नई सोच दिखाई कि किस तरीके से वो लोग अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। दिलीप जी ने जो ये काम किया इसके लिए इनको नई सोच के अवार्ड के लिए दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में पूरे झारखंड में और बहुत सारी जगहों पे बहुत बड़ा बिजनेस एप्लॉम के माध्यम से जनरेट होगा और लोग इंडिपेंडेंट बनेंगे। संगीता जी का जो प्रमोशन रहा है इनकी इनका पूरे थ्रू आउट द ईयर इन्होंने अपनी टीम को प्रमोट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करती रही हैं, कुछ ना कुछ अपने लेवल पे इन्होंने स्कीम्स दी हैं अपने ग्रुप को बिजनेस को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ में भी जो इन्होंने लेटेस्ट कॉन्सेप्ट एक डिज़ाइन किया जिसमें अपने एक सेहत साथी नाम से चुना और फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपनी टीम के लोगों की एक स्टोरी शेयर करनी स्टार्ट की, वहीं से मुझे समझ आया कि नई एक नई सोच अवार्ड एप्लॉम हेल्थकेयर में इंट्रोड्यूस किया जाए। चलते अपने अगले अवार्ड की ओर जो कि है वैल्यूएबल एप्लॉम्बियन अवार्ड और ये अवार्ड बहुत ही खास अवार्ड है, बहुत ही वैल्यूएबल लोगों के लिए है और क्योंकि इसे मुझे अनाउंस करना है तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं अनाउंस करना चाहूंगी। पहला नाम है मिस्टर राकेश कुमार सिंह जी फ्रॉम बालासोर बलेश्वर, एक बार जोरदार तालियां। इसी कैटेगरी में जो अगला अवार्ड है वो अगेन मैं जिनको देने जा रही हूँ वो बहुत अच्छी प्रेजेंटेटर भी हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मर भी हैं, क्या क्या कहूँ सब बहुत कुछ है। एक बार जोरदार तालियां वाराणसी से नीलम भाई गांधी जी के लिए और मैं चाहूंगी योगेश गांधी जी भी साथ में हमारे यहाँ पे ये स्टेज जरूर शेयर करें, एक बार जोरदार तालियां। देखे हमने जो है सपने सच करके दिखा देंगे। ये इसकी कोई रीस नहीं है, देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि यहाँ पर जो भी मिलता है आपको दिल से मिलता है, कुछ बनावटी नहीं होता है। तो और ये अनएक्सपेक्टेड जो अवार्ड मेरे लिए मिला है, मतलब जब अनएक्सपेक्टेड होता है तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी एंटायर अप्लाइंग टीम के लिए जिनकी वजह से ही आज मैं हूँ यहाँ पर, और पुष्कर सर के लिए जिन्होंने उड़ीसा में इतना प्रयास किया, इतना काम किया, इतना सपोर्ट किया हमें। पुष्कर जी ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि आज हम मतलब समझ लीजिए कि उन्होंने कहा ना कि अमिताभ बच्चन ने स्ट्रगल किया, सब ने किया, सब अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं लेकिन उसमें से बाहर कोई ही निकल पाता है और आज मुझे गर्व है कि मैं एक एप्लॉम्बियन किसी भी संकट से लड़ने की क्षमता रखती हूँ। कहते हैं ना कि दर्द सबके एक हैं, दर्द सबके एक हैं लेकिन हौसले अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर गया और कोई संघर्ष कर निखर गया। तो आज एप्लॉम ने हमें इतना वैल्यूएबल बना दिया कि हमें एक वैल्यूएबल अवार्ड मिला है। तो मैं धन्यवाद एप्लॉम, धन्यवाद पूरी एप्लॉमियन टीम को करती हूँ जिनकी वजह से हमें यह अवार्ड मिला है। धन्यवाद। इसे अनाउंस करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर प्रभाकर मिश्रा जी को, आपकी जोरदार तालियों के बीच। कंपनी के जो हमारे सबसे अच्छे और जुझारू, जिनको हम बोलेंगे जो वाकई में रियली अपने को एमडी को गुरु मानते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, राकेश सिंह जी। Thank you.
सजनों तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे। देखे हमने जो है सपने सच करके दिखा देंगे। है जो सजनों तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे। देखे हमने जो है। और दूसरा अवार्ड जाता है संगीता राय जी को। धन्यवाद है इस विषय में हमें जानकारी देने वाले को। जो प्रथम जानकारी मिली मिस्टर पुष्कर मिश्रा जी, जिन्होंने इस विषय में हमें जानकारी दी, इस कंपनी के बारे में जानकारी दी, और मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उनको, जिनके वजह से ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं। मेरे सब दिमाग में, मेरे दिल पे ईश्वर ने ऐसा विचार डाला कि आपकी बात उस दिन हमारे समझ में आ गई। निर्णय की ताकत, हमने उस दिन निर्णय लिया। और धन्यवाद है उन सभी साथियों का जिन्होंने हमें पग पग पर हमारा साथ दिया। आप सभी प्रिय अपलाम्बियन को मैं कोटि कोटि सत सत नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो कुछ भी हूं आपके वजह से हूं, आपके साथ की वजह से हूं, आपके आशीर्वाद की वजह से हूं। लास्ट कैटेगरी है सर्विस प्रोवाइडर अवार्ड। जबरदस्त सेल, एक साल के अंदर करीबन 46 लाख का टर्नओवर अपने सर्विस पॉइंट से करने वाला कोई और नहीं, संगीता जी, शंकर जी का ही सर्विस पॉइंट है। सर्विस प्रोवाइडर का बिजनेस देखती हैं मोनिका वर्मा है। एक बार जोरदार तालियां मोनिका वर्मा जी के लिए। 150 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद गोरखपुर सर्विस पॉइंट चलाते हैं, तो एक बार जोरदार तालियां अगेन। अर्जुन सिंह प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, थैंक यू टू माय ऑल वाराणसी टीम जिनके सहयोग से मैं ये अवार्ड ले पाती हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पूरे गोरखपुर को थैंक यू सो मच, और टीम एप्लॉम को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अगर कंपनी से मेरे को अच्छे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा तो मैं लोगों को अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं दे पाऊँगा। थैंक यू सो मच। देखे हमने जो है सपने सच करके दिखा देंगे। है जो सजनों तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे। देखे हमने जो है सपने सच करके दिखा देंगे। हौसलों के पर लगा उड़ सोच की उड़ान है यकीन इस दुनिया में कर देंगे अपना नाम। बात आपकी 60 हो, बात आपकी स्वीट हो, बात आपकी परफेक्ट हो। हौसलों से मैंने एम किया है और आप लोगों के सामने आकर हमने यह नेम किया है, और पाना है हमें अपने लक्ष्य को, पाना है हमें अपने लक्ष्य को, इसीलिए स्टार बनकर हमने ये फेम किया है। सजनों तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे।
लेके हमने जो है सपने सच करके दिखा देंगे। ऐ जोश जुनू तो मंजिल को अपना ही बना लेंगे। देखे हमने जो है सपने सच करके दिखा देंगे। हौसलों के पर लगा उड़ सोच की उड़ान, है यकीन इस दुनिया में कर देंगे अपना नाम। सभी को खुशबुए फैलाएंगे। फूल बनके हम सभी को खुशबुए फैलाएंगे। बनके ताकत हम पतंग के जन्नत दिखलाएंगे। हिम्मत सच्चाई को हम शस्त्र बना ले। देखे हमने जो है सपने सच करके दिखा देंगे। हौसलों के पर लगा उड़ सोच की उड़ान, है यकीन इस दुनिया में कर देंगे अपना नाम। स्वस्थ जीवन कोशिश है ये हमारी। देंगे सबको स्वस्थ जीवन कोशिश है ये हमारी। उन्नति हो सबकी ऐसी हो, देखे ये दुनिया सारी। बढ़ते बढ़ते मिलके चलते तकदीर बना ले। सपने सच करके दिखा देंगे। हौसलों के पर लगा उड़ सोच की उड़ान, है यकीन इस दुनिया में कर देंगे अपना नाम।